एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता कांड पर, राष्ट्रपति का इस वक्त का बड़ा बयान हम आपको बताने जा रहे हैं। बस अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूं, यह बहुत बड़ी अपडेट और इस बयान के कई मायने हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर अगर इसकी बात की जाए, इस बयान के कई मायने हैं। बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति का ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है बस अब बहुत हुआ, ये राष्ट्रपति का बयान है, मैं निराश और भयभीत भी हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने मिलने का समय मांगा था, वो मिलने गए थे, जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में उन्हें बताया भी था, और अभी ये बड़ी अपडेट और बड़ा बयान कि मैं निराश हूं, भयभीत हूं। राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान है कोलकाता कांड पर, इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की ओर क्या बंगाल बढ़ रहा है, पहले भी जो बयान आ रहे थे नेताओं के, जो वार पलटवार चल रहा था उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अभी इसके कई मायने हैं। राष्ट्रपति का जो बयान है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं निराश हूं, भयभीत हूं, बस अब बहुत हुआ। तो ये बड़ी अपडेट, लगातार प्रदर्शन देख रहा है बंगाल, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, हम लगातार आपको प्रदर्शन जो वहां चल रहे हैं उससे जुड़ी हर एक अपडेट बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो अभी निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले में, वो ये बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं, ये राष्ट्रपति का बयान कोलकाता कांड पर। राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है कि बस अब बहुत हुआ, मैं निराश हूं और भयभीत हूं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो टीएमसी है वो आरोप लगा रही है बीजेपी पर, जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है टीएमसी पर, लेकिन उसके उसी के बीच में ये जो बड़ी अपडेट आई है कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति ने जो कहा है, अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बस अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूं, ये कहा है। पीटीआई को इंटरव्यू जब राष्ट्रपति दे रही थी तो उसमें उन्होंने ये कहा है। नीरज पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर को विस्तार देंगे वो। नीरज, इस बयान के कई मायने हैं, क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि देश की सुप्रीम पावर यानी कि राष्ट्रपति जो कस्टोडियन होती हैं केंद्र सरकार की, उन्होंने आज पीटीआई को दिया इंटरव्यू में साफ तौर पर इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है और समाज में महिला सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इनफ इनफ, यानी कि बहुत हुआ, ये जिस तरह से घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ, जिस तरह से रेप बलात्कार हत्याएं ये हो रहा है, ये समाज के लिए चिंता का विषय है और समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों के लिए भी, उन्होंने कहा कि सरकारों को भी इस पूरे मसले पर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नो सिविल, उन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटी को अपने बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए और सरकारों को सोसाइटी की चिंता करनी चाहिए और सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश की राष्ट्रपति आज महिला सुरक्षा को लेकर सामने आई हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है और चिंता व्यक्त करते हुए महिला सुरक्षा पर सरकारों को चिताया है। राज्य सरकारें, केंद्र की सरकार, सबके लिए ये अपने आप में सबक है कि देश की महिला राष्ट्रपति ने इस विषय पर अपनी बात रखी और चिंता व्यक्त की। तो देश की हर राज्य सरकारों को उनकी बातों पर गौर करते हुए मुझे लगता है बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेना चाहिए। जानकारी के लिए नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता कांड पर, राष्ट्रपति का इस वक्त का बड़ा बयान हम आपको बताने जा रहे हैं। बस अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूं, यह बहुत बड़ी अपडेट और इस बयान के कई मायने हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर अगर इसकी बात की जाए, इस बयान के कई मायने हैं। बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति का ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है बस अब बहुत हुआ, ये राष्ट्रपति का बयान है, मैं निराश और भयभीत भी हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने मिलने का समय मांगा था, वो मिलने गए थे, जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में उन्हें बताया भी था, और अभी ये बड़ी अपडेट और बड़ा बयान कि मैं निराश हूं, भयभीत हूं। राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान है कोलकाता कांड पर, इसके कई मायने भी
निकाले जा सकते हैं राष्ट्रपति शासन की ओर, क्या बंगाल बढ़ रहा है? फिर पहले भी जो बयान आ रहे थे नेताओं के, जो वार पलटवार चल रहा था उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अभी इसके कई मायने हैं। राष्ट्रपति का जो बयान है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं निराश हूं, भयभीत हूं, बस अब बहुत हुआ। तो ये बड़ी अपडेट, लगातार प्रदर्शन देख रहा है बंगाल, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, हम लगातार आपको प्रदर्शन जो वहां चल रहे हैं उससे जुड़ी हर एक अपडेट बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो अभी निकल कर सामने आई है इस पूरे मामले में, वो ये, बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं, ये राष्ट्रपति का बयान। कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है कि बस अब बहुत हुआ, मैं निराश हूं और भयभीत हूं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो टीएमसी है वो आरोप लगा रही है बीजेपी पर, जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है टीएमसी पर, लेकिन उसके उसी के बीच में ये जो बड़ी अपडेट आई है कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति ने जो कहा है, अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बस अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूं, ये कहा है। पीटीआई को इंटरव्यू जब राष्ट्रपति दे रही थी तो उसमें उन्होंने ये कहा है। नीरज पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर को विस्तार देंगे वो। नीरज, इस बयान के कई मायने हैं, क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि देश की सुप्रीम पावर यानी कि राष्ट्रपति जो कस्टोडियन होती हैं केंद्र सरकार की, उन्होंने आज पीटीआई को दिया इंटरव्यू में साफ तौर पर इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है और समाज में महिला सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इनफ इनफ, यानी कि बहुत हुआ। ये जिस तरह से घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ, जिस तरह से रेप, बलात्कार, हत्याएं ये हो रहा है, ये समाज के लिए चिंता का विषय है और समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों के लिए भी, उन्होंने कहा कि सरकारों को भी इस पूरे मसले पर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नो सिर्फ उन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटी को अपने बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए और सरकारों को सोसाइटी की चिंता करनी चाहिए और सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश की राष्ट्रपति आज महिला सुरक्षा को लेकर सामने आई हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है और चिंता व्यक्त करते हुए महिला सुरक्षा पर सरकारों को चिताया है। राज्य सरकारें, केंद्र की सरकार, सबके लिए ये अपने आप में सबक है कि देश की महिला राष्ट्रपति ने इस विषय पर अपनी बात रखी और चिंता व्यक्त की। तो देश की हर राज्य सरकारों को उनकी बातों पर गौर करते हुए मुझे लगता है बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेना चाहिए। जानकारी के लिए नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।